राजधानी दिल्ली वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है और बेहतर जो निर्णय है वो कांग्रेस के पक्ष में होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम खुली उसके बाद लगातार जो नतीजे सामने आए उसके बाद बीजेपी को एकाएक जो वोट है वो मिलने लगा, वोट परसेंट बहुत तेजी से बढ़ने लगा और यही कारण है कि राजधानी देहरादून की 10 विधानसभा सीटों में से केवल एक चक्राता विधानसभा सीट जो की नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की सीट है केवल उसी सीट पर कांग्रेस मजबूती से नजर आई। तमाम जो सहसपुर सीट की बात कर ली की जा रही थी कि शायद सहसपुर सीट पर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी, बेहतर तरीके से चुनाव जीतेगी, लेकिन जैसा कहा जा सकता है कि ईवीएम की गिनती के बाद वो भी पीछे होते हुए नजर आए और बीजेपी विधानसभा सीट से लगभग 6000 से अधिक वोटों के साथ जो सहदेव सिंह कुंडीर है वो चुने गए। यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके की उम्मीदें थी जो बात कही जा रही थी कि कांग्रेस राजधानी देहरादून की 3 सीटों पर काबिज होगी, एक धर्मपुर, एक सहसपुर और दूसरा तीसरी चक्राता, लेकिन केवल चक्राता ही सीट कांग्रेस के पक्ष में, उसके अलावा 9 जो विधानसभा सीटें हैं धर्मपुर का, धर्मपुर का क्या है कि इतना ही नहीं, धर्मपुर की क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, धर्मपुर की ये कहा जा रहा था नेक टू नेक फाइट है, लेकिन आखिरी चरण के समय पर लगभग 4000 मतों से आगे विनोद चमरे जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे वो नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी काउंटिंग जारी है। इंतजार ये किया जा रहा है कि शायद जो मत प्रतिशत है वो बीजेपी को और बीजेपी के पक्ष में जाएगी। इंतजार ये किया जा रहा है कि आखिरकार जो अंतिम वोट है, जो अंतिम वोट का इंतजार कांग्रेस इस विधानसभा सीट पर भी करती हुई नजर आ रही है और पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनको वोट और मिल पाए। जी लेकिन सुभाष, उत्तराखंड का इतिहास, जिसने जीती गंगोत्री उसने बनाई सरकार और खबर यह है कि मिथक बरकरार है। जरूर गंगोत्री का मिथक बरकरार है, लेकिन बीजेपी ने बाकी सारे मिथक इस बार तोड़ दिए हैं, क्योंकि ये देखा जाता था कि उत्तराखंड में एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी और एक बार कांग्रेस की सरकार, लेकिन इस बार वो मिथक टूटता हुआ नजर आ रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दूसरा मिथक ये भी कहा जाता था शिक्षा मंत्री, जिस तरीके से जो रानी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जिस तरीके से चुनाव जीते हैं, तो एक दूसरा मिथक ये टूटा है कि जो शिक्षा मंत्री रहता है सरकार में वो अपना चुनाव कभी नहीं जीतता है। इस बार अरविंद पांडे ने वो मिथक तोड़कर दिखाया और एक बड़ा मिथक ये भी कहा जाता है कि जो रानीखेत की जो सीट है उस सीट से जो विधायक जीत कर आता है वो हमेशा विपक्ष में रहता है, लेकिन जिस तरीके के नतीजे उस सीट पर दिख रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी जीत तब नजर आ रहा है, तो लगता है कि शायद वो मिथक भी इस बार टूटेगा। लेकिन एक बड़ा मिथक और भी है कि मुख्यमंत्री आवास में जो भी मुख्यमंत्री रहता है वो अपना चुनाव हारता है और वो बरकरार उत्तराखंड भी। सुभाष जी, सुभाष जो मुख्यमंत्री आवास में रहता है वो चुनाव जीतने को लेकर भी खतरा हो जाता है, धामी जी भी, अब तो सवाल ये कि धामी नहीं तो अब कौन, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा वो तो खुद चुनाव हार गए, क्या चल रहा बीजेपी? उठने को तैयार हैं क्योंकि इंतजार ये और ये बड़ी चीज थी कि मुख्यमंत्री के जो चेहरे प्रोजेक्ट किए जा रहे थे चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, दोनों ही चेहरे अपना चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी में बड़ी चुनौती ये है कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या पुष्कर सिंह धामी, ये भी बात कही जा रही है कि पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से बेहतर प्रदर्शन किया पिछले 4 से 5 महीनों में, शायद उसको देखते हुए पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा करके दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऐसी बातें भी सामने आ रही है, लेकिन ये तो कल तक साफ हो जाएगी आखिरकार पुष्कर सिंह धामी पर भी भरोसा किया जाता है या फिर चेहरा इस बार कोई नया होता है, लेकिन उसके लिए इंतजार जरूर है क्योंकि मुख्यमंत्री की लिस्ट में नाम बहुत अधिक है, बहुत सारे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं जो अब इंतजार कर रहे हैं कि शायद हाईकमान उनके नाम पर मोहर लगा सकता है और उन्हें अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बना सकता है। जी नहीं नहीं नहीं, एक कहानी और भी तो हो सकती है कि मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी उनका ऐलान कर दे और फिर उन्हें